पटना में 60 से 70 राउंड फायरिंग के बाद जमकर हुआ पथराव। कई थानों के पुलिस ने संभाला मोर्चा, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। पटना के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के बनवारी चौक के दरगाह रोड के समीप शनिवार की देर रात असामाजिक तत्वों द्वारा डीजे दुकान संचालक के साथ दुकान में घुसकर मारपीट की गई। वहीं देखते देखते मारपीट रण क्षेत्र में तब्दील हो गई। बताया जाता है कि 60 से 70 राउंड फायरिंग की गई, उसके बाद जमकर पथराव भी किया गया। वहीं इस घटना में स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। क्या हुआ आपके? घटना यह हुआ कि सर, हम साढ़े 10 बजे के करीब अपने घर पे थे और साढ़े 10 बजे के करीब घर पे थे और जैसे एक लड़का दौड़ दौड़ मेरे घर पे आया कि जय भैया मेरे दुकान में पूरा लूटपाट हो रहा है, मुझे मारा जा रहा है। तो हम और मेरा छोटा भाई दोनों गए बनवारी चौक पे, तो देखा कि मतलब दरगाह पर, मतलब दरगाह रोड के बनवारी चौक दरगाह पर के कम से कम 20 से 25 आदमी दुकान में घुस के, एगो मेरे दुकान के बगल में, उसी के बगल में मेरा दुकान है, उसी दुकान में घुस के छोटू कुमार को जो डीजे संचालक है उसको भर पेट मार रहा है, मार के एकदम अधमरे कर दिया और पंछा और उसको एकदम घायल कर दिया। उसके वो जो भी लोग हैं जिसमें से सब स्थानीय लोग हैं और सब वहाँ गांजा स्मैक पीने का काम करते हैं, जिसका विरोध करने पे ये लोग मारते हैं और एक तरह से मानिए तो हर दुकान से रंगदारी लेने के प्रयास करने का ये लोग काम कर रहे हैं। प्रशासन के तौर क्या हुआ? उसके बाद हम लोग जब 10 लड़का मिलकर इन लोगों को खरीदा तो कम से कम ये लोग प्री प्लानिंग के साथ गोलीबारी करने लगे, कम से कम 100 आदमी के साथ प्री प्लानिंग करने लगे। उसका नतीजा ये हुआ कि जब हम लोग प्रशासन को फोन किए तो प्रशासन आए तो प्रशासन के सामने गोलीबारी, अड्डाबाजी, यहाँ तक कि प्रशासन को भी लोग मतलब बख्शे नहीं और मतलब उनको भी कुछ देर के लिए हटना पड़ा। ऐसा तांडव ये लोग मचाए हैं जो कितने राउंड गोलियां चली, कम से कम 60 राउंड गोली चली है सर, 60 राउंड गोली प्रशासन के सामने कम से कम 40 राउंड गोली चली है। प्रशासन को भागना पड़ा, एकदम भागना पड़ा, वो तो खुद प्रशासन सामने थी। वो तो अगर आप लोग संयम नहीं बरते तो कुछ भी हो सकता था। एकदम नहीं संयम, मतलब समझिए कि अगर इस पर अगर कड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो कुछ भी यहाँ घटना घट सकती है, जो आज 4 साल पहले होता था वो अब फिर होने जा रहा है। क्या आप लोगों ने आवेदन दिया? एकदम सर, हम लोग आवेदन दिए। देखिए, हम लोग के 3-4 आदमी का मतलब गंभीर रूप से घायल भी है, एक आदमी को इतना सर फट गया है कि 15 टांका पड़ चुका है, इंजुरी के लिए NMCH गए हुए हैं। बहुत यहाँ का स्थिति भयावह होने वाला है। सूचना पर पहुंची पुलिस को भी पीछे हटना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद कई थानों की पुलिस ने मौके स्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित में किया। वहीं इस घटना की पूरी वारदात डीजे दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जहां सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पूरे मामले पर सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष शेर सिंह से पूछा गया तो उन्होंने वरीय अधिकारियों का हवाला देते हुए इतना ही कहा, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और इस मामले में अधिक जानकारी वरीय अधिकारी ही दे सकते हैं। मामला अभी सब शांत है। क्या हुआ था सर, घटना क्या घटित हुई थी? अब आगे अभी नजर रखी जा रही है। मैंने विवाद का मुख्य कारण क्या था सर? वरीय पदाधिकारी से बात किया जाए। अभी सब शांति है सर? हाँ, अभी अंडर कंट्रोल है, प्रशासन अलर्ट है। अलर्ट, घायल होने की भी सूचना आई है सर? नहीं, ऐसा कोई सूचना अभी नहीं।